हेलो गाइस, स्वागत है आपका पार्ट टू टीम इंडिया के जर्नी में। पार्ट वन में हमने देखा क्या थी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड। पार्ट टू में हम देखेंगे लीग स्टेजेस, जिसमें पहला मैच था भारत का दक्षिण अफ्रीका के साथ। सबसे पहले बात टॉस की, टॉस से क्या हुआ भाई? जैसे कि आईपीएल में विराट भाई की किस्मत रहती है कि टॉस नहीं जीतना, इस बार वैसे ही हुआ, टॉस हार गए, साउथ अफ्रीका जीत गए, उन्होंने चुनी बैटिंग। किस्मत ही खराब है विराट कोहली की। चलिए अब बात करते हैं मैच की कि मैच में क्या हुआ। जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया तो तीन ओवर तक तो अच्छा खेला, चौथे ओवर में बुमराह को विकेट दे दिया अमला भाई ने, छः रन पे पहला विकेट गया। अब जब दूसरी बार छठे ओवर में जब बुमराह वापस, उन्होंने डिक ऑफ भी चले गए। चलिए साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर को घर भेज दिया हमारे बुमराह ने। अब इसके बाद पार्टनरशिप अच्छी जमी फाफ डुप्लेसिस और वंडर डुसेन के बीच, बट जब 20 ओवर में चला है तो वंडर डुसेन को स्वीप मारना था भाई, हमको स्वीप मारना है, स्वीप मारने के चक्कर में बोल लो उनको देख के डुप्लेसिस ने बोला कि तुम चलो हम आ रहे हैं, तो उसी ओवर की आखिरी गेंद पे वो भी बोल लो गए चल के आ, तो 38 रन बना गए। आगे डोमिनी और मिलर के भी विकेट गिरे हैं। यहाँ तक जब मिलर गए तो जब साउथ अफ्रीका 36 ओवर 135 पे 6 था, मतलब इंडियन गेंदबाजों का भाई बोल स्लो काव्यो क्या नाम है साउथ अफ्रीका वाले की, स्लो कायो और मॉरिस के बीच में बढ़िया पार्टनरशिप। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन में भी सबर नहीं है कि आराम से खेलते, थोड़ा विकेट गिर चुके हैं। अब आखिरी बैट्समैन इसके बाद मॉरिस है और उसके बाद और कोई नहीं है बैट्समैन, फिर भी नहीं आपको उठा के मारना, नहीं रनों की गति तेज करनी, भाई थोड़ा आराम से सिंगल डबल खेल लें, नहीं भाई हमको तो मारना है, बस मारने से फर्क पड़ता है हमको, तो सिंगल डबल हम खेल रहे हैं तो आउट हो गए। सबसे गजब की बात तो मुझे तब लगी जब मैंने क्रिबस पे जब मैच खेला, उनके बाद स्कोर देखा तो भाई रबाडा और मिलर के सेम रन 31-31, भाई स्ट्राइक रेट इनका 88 का, मिलर का 77 का। बताओ भाई क्या कहेंगे कभी। तो साउथ अफ्रीका की इनिंग खत्म हुई तो अंत में स्कोर था 227-9। भाई जब भारत बैटिंग करने उतरा तो शिखर धवन का फॉर्म कतई उनका साथ देने को तैयार ही नहीं है, तो विराट भाई भी अपना जर्सी नंबर के जितने रन बना के ही आउट हो गए। लेकिन जो रोहित शर्मा थे वो टिके हुए थे एक तरफ और उनके साथ निभाने 4 नंबर पे राहुल आए थे। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि राहुल कैसे आए, जब मैंने जब पहली स्क्वाड की वीडियो में अपन तय हुआ था कि 4 नंबर के विजय शंकर को लाए थे इंडिया। अब ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि वार्म अप मैच की कहानी, वार्म अप मैच में क्या हुआ, जब 2 वार्म अप मैच थे, एक न्यूजीलैंड का साथ था और एक बांग्लादेश के साथ था। न्यूजीलैंड के साथ तो इंडिया बहुत बुरी तरह से हारा कह सकते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश के साथ हुआ तो भी यही हालत था, अपर ऑर्डर पूरा हिल चुका था। पर जब राहुल खड़े हुए तो राहुल ने उस वक्त शतक जमा दिया, तो टीम मैनेजमेंट को लगा कि उनका फॉर्म है, तो विजय शंकर को उठा के 4 नंबर पे केएल राहुल भी 26 रन बना के पवेलियन लौट गए। अब रोहित भाई का शतक आया वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में उनका दूसरा शतक था और ये इस वर्ल्ड कप में पहले मैच में पहला शतक दे दिया रोहित भाई ने। और जब एंड तक वो नाबाद रहे और अपनी टीम को जिता के लेके गए, शर्मा की 122 रनों की मदद से भारत काफी आसानी से 6 विकेटों से मैच जीत। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में जानेंगे कि टीम इंडिया के आगे की जर्नी कैसे थी। तब तक के लिए हंसते रहिए और सुरक्षित रहिए, और हमारा इस वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा।